Hello everyone, hope you all are fit and fine, all are good. And our today's topic is presentations and proposals. Presentation क्या होता है? Presentation is to present ourselves, is to present our company. कि हम वो सबके लोगों के सामने अपने आप को कितना अच्छा present कर पाते हैं. This is called presentation. And in our field, in event management, there are many stages we need presentation. ऐसा नहीं है कि आपने एक presentation बना के रख ली और वही आपको बार बार दिखाना है clients को. प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप जो भी बोलने जा रहे हो, है ना, आप जो भी वहाँ पे जो भी प्रिपेयर होकर जा रहे हो कि आप मीटिंग में जाओगे, आपको क्या प्रेजेंट करना है, आपको क्या बोलना है, उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम क्रिएट कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन. स्लाइड बाई स्लाइड उसमें हम टॉपिक्स की हमें क्या क्या डिस्कस करना है, जिससे कि हम वहाँ पर कोई पॉइंट मिस ना कर दें, तो वो सारा प्रेजेंटेशन होता है. एंड व्हाट हैपन इन द केस ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल इट्स अ वेरी फॉर्मल डॉक्यूमेंट यू कैन से. उसमें वी हैव टू मेंशन द कॉस्टिंग पार्ट, वी हैव टू मेंशन द टर्म्स एंड कंडीशन, वी हैव टू मेंशन अग्रीमेंट, जो भी होता है वो सारी चीज़ें आपका प्रपोजल में आता है. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ प्रेजेंटेशन. अब इवेंट प्लानिंग में, वेडिंग प्लानिंग में हम लोग को प्रेजेंटेशंस, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि हमको बहुत बार बनाने होते हैं, ठीक है ना. फॉर सपोज अगर हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो हमें बनाना होता है वो होता है हमारा प्रोफाइल, ठीक है. हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, उसमें हमने अभी तक क्या क्या किया है, और अपनी कंपनी के बारे में, वो सारी चीज़ें आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन होता है. प्रोफाइल प्रेजेंटेशन उसमें आपका आता है, ठीक है. जब हमने क्लाइंट को अपना प्रोफाइल दिखा दिया, उसके बाद मैंने क्लाइंट से पूछा आपका रिक्वायरमेंट क्या है, एंड वी नोटेड डाउन द रिक्वायरमेंट्स, या क्लाइंट का जो भी क्वेरी, जो भी उसको चाहिए, वो सब हमने नोट कर लिया. फिर हम अपने ऑफिस आ गए और फिर हमें उसको एक सेकेंड प्रेजेंटेशन भेजना है. सेकेंड प्रेजेंटेशन द ऑप्शंस, जो भी क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें हम उसको क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, तो वो एक आपका सेकेंड प्रेजेंटेशन होगा. और वी कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर सर्विसेज, पोर्टफोलियो, जो भी, देखिए हम लोग इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती है, बहुत वास्ट है ये. तो ऐसा नहीं है कि हम सारे क्लाइंट्स को अपनी सारी सर्विसेज की डिटेल्स और पोर्टफोलियो सेंड करते रहेंगे. जब फर्स्ट मीटिंग में हमने उसका रिक्वायरमेंट देख लिया कि उसका इवेंट क्या है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो रिलेटेड टू डेट रिक्वायरमेंट वी हैव टू सेंड द ऑप्शंस कि हाँ, उसको अगर इस तरह का डेकोर चाहिए तो इसमें ऑप्शन वन, ऑप्शन टू हम इस तरह से भेज सकते हैं. या उसको कोई प्रोडक्ट लॉन्च है तो प्रोडक्ट लॉन्च में थीम्स चाहिए, या स्टेज सेटअप चाहिए तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो हमने प्रेजेंटेशन में, अपने सेकेंड प्रेजेंटेशन में क्लाइंट को भेज दिया. तो सेकेंड प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस ऑफ द सर्विसेज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है. जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसमें हम क्या दे सकते हैं, बेस्ट अपना क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शंस हमने क्लाइंट को इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड प्रेजेंटेशन वी कैन सेंड टू द क्लाइंट. Now as you have sent the options, आपने options भेज दिए, client have to select or shortlist few
उसमें से उसको क्या बेस्ट लग रहा है, उसे क्या चीज़ चाहिए, वो अपनी चॉइस फिर आपको बताएगा कि वी हैव सिलेक्टेड दिस एंड दिस लाइट्स, या वी हैव सिलेक्टेड दिस एंड दिस सर्विसेज, दिस एंड दिस डिज़ाइन, तो आपको इस तरह का थीम्स, इस तरह का डिज़ाइन का कॉस्टिंग हमको भेज दीजिए या उसका कोटेशन भेज दीजिए, ठीक है। तो ये क्लाइंट ने कह दिया, अब इन द फॉर्म ऑफ थर्ड प्रेजेंटेशन यू हैव टू सेंड ओनली डेट पर्टिकुलर थिंग, जो क्लाइंट ने शॉर्टलिस्ट की है आप उसको एक डिटेल्ड उसमें फिर भेजोगे, ठीक है। सपोज क्लाइंट ने आपकी थर्ड थीम चूज की थी आपके सेकंड प्रेजेंटेशन से, सो इन द फॉर्म ऑफ थर्ड प्रेजेंटेशन यू हैव टू सेंड द डिटेल्ड थीम जो भी उसने सिलेक्ट की थी, कि उस थीम में आप क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कैसे दोगे, कैसे लगाओगे वहाँ पे, या उसमें क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, तो आपने वो थर्ड प्रेजेंटेशन भेज दिया। इसको हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। वो भेज दिया आपने, और इस प्रेजेंटेशन के साथ यू कैन सेंड द प्रपोजल ऑल्सो, ठीक है। प्रपोजल जैसे मैंने बताया उसमें कॉस्टिंग इंक्लूड होती है, यू कैन अटैच योर प्रपोजल विद प्रेजेंटेशन ऑल्सो, आप उसके साथ भी भेज सकते हो। तो जब भी आप थर्ड उसको फाइनल करने के लिए भेज रहे हो तो आप उसके साथ प्रपोजल भी अटैच कर सकते हो। तो जब हमने थर्ड प्रेजेंटेशन दिखा दिया अपना कि नाउ दीज आर द फाइनल थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिलीवर, ठीक है, फिर उसमें आपको फाइनल करना है, आपके प्रपोजल में कॉस्टिंग दी हुई है, उसमें फिर आपका वो नेगोशिएशन वगैरह जो भी होगा, फिर उसके बाद आपकी डील फाइनल होना होगा, तो वहीं पे आपकी डील फाइनल हो जाएगी, या उसके एक दिन दो दिन बाद वो आपका क्लाइंट आपको रिवर्ट कर सकता है उस चीज। तो प्रेजेंटेशन हमें बहुत बार बनाने पड़ते हैं और हमेशा थोड़ा अलग अलग तरह के बनाने पड़ते हैं। इसीलिए बोला था मैंने कि कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल वो नहीं चलता है कि आपने हर बार पर्चे लिख लिख के क्लाइंट को दे रहे हैं, अपने डायरी में नोट कर लिया फिर आपने उसको दे दिया, या आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया बस कि ये हम दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा अनप्रोफेशनल लगती हैं। तो आपको एक इस तरह से प्रेजेंटेशन प्रपोजल्स की फॉर्म में आप काम करेंगे तो वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ये सारा आपका टैलेंट है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कितना स्ट्रांग है, आप उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, और बहुत बार आपका बिजनेस इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे। आपका जब सारी चीज़ें फाइनल हो गई तो भी आप इस तरह से बना सकते हो, उसमें फिर क्या क्या फाइनल हुआ है आपको ये इंक्लूड करना होगा। अब सपोज ये पूल पार्टी का मैंने लिखा हुआ है इसमें कि पूल पार्टी, अब सपोज ये पूल पार्टी का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो पूल पार्टी में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने एक आपका लिस्ट बना के लिख दिया हुआ है, जिससे एक बार में क्लाइंट देखेगा तो हो जाएगा कि हाँ ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अगर ये उसने सही से इसमें कोई भी चीज़ स्किप भी कर दी, नहीं देख पाया, तो फिर आपने हर चीज़ एक पिक्चर फॉर्म में भेज रखा है कि हाँ एंट्रेंस ऐसा होगा, ठीक है, आपका जो पूल होगा उसमें आप ऐसा डेकोर करोगे, तो वो बाद में आपका ये नहीं होगा कि हाँ आपने कुछ दिखाया नहीं था या आपने ऐसा करना था, ये तो आपने बताया नहीं था, आप तो साफ साफ उसको दिखा रहे हो, पिक्चर्स भेज रहे हो, तो वो हमेशा आपके लिए भी वो सेफर ऑप्शन है। प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अगर आप लोग विंडोज यूज़ कर रहे हो, अगर एप्पल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका की नोट होता है, या आप ओपन ऑफिस भी यूज़ कर सकते हो, ओपन ऑफिस में भी पावर पॉइंट होता है, तो आप उसको वर्ड में भी बना सकते हो, फिर आप उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या कन्वीनियंट है और क्या अच्छे से बना लोगे, तो आप उस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हो। बहुत सारे उसमें टेम्पलेट्स में बहुत सारे डिज़ाइंस पिक्चर्स दी होती हैं, और अगर आपको नहीं आता है, आपका कंप्यूटर में हाथ नहीं अच्छा है, आपने नहीं कभी करा है, तो आप कोई भी एक बेसिक कंप्यूटर ट्यूटोरियल ले लीजिए, आप यूट्यूब से ले लीजिए, या आप किसी को ज्वाइन कर लीजिए, और आप एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप या लैपटॉप कैसा भी ले लीजिए, आप पुराना ले लीजिए, सेकेंड हैंड ले लीजिए, आपके पास जब आप ले लोगे, आप उसमें अपने आप स्टार्ट करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल वेरी वेरी इजी। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है कि आपको बहुत सीखना पड़ेगा या आप कर नहीं पाओगे, बस कुछ दिन की प्रैक्टिस है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। जब आप
स्मार्टफोन में आप कर लेते हो अच्छे से, तो लैपटॉप में भी करने में कोई इश्यूज नहीं है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द थिंग्स, आपको ये चीजें आनी चाहिए. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.